हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कॉलीफ्लावर की खेती, जिसको फूल गोभी भी बोलते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे किया जाता है कॉलीफ्लावर की खेती। तो ऐसा होता है पहला स्टेज। ये जो पौधा देख रहे हो, ये हम लोग सीड से ग्रो किए हैं और इसको लगाया हुआ 25 से 30 दिन हुआ है। इसके बाद इधर से दूसरे जगह लेके जाके फिर से दोबारा लगाया जाएगा। और ये जो फार्मिंग है, इसको एक बेबी की तरह केयर किया जाता है। इसको धूप से बचाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और बारिश से बचाने के लिए हम लोग इस पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो कॉलीफ्लावर की सीड है, इसको हम डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं उगाते हैं। इसको उगाने के लिए ज़मीन से ऊपर थोड़ा इस तरीके के बैम्बू से स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, और इसके बाद ही इस सीड को ग्रो करते हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों को पूरा सब कुछ इसका कंट्रोल करना पड़ता है बारिश और धूप के लिए। तो हम लोग इस तरह के बैम्बू से स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इस फार्मिंग सबसे ज़्यादा टफ होता है हमारे इधर। तो अब चलते हैं हम लोग सेकेंड स्टेज की तरफ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग आ चुके हैं सेकंड स्टेज की तरफ। ये जो छोटा छोटा पौधा देख रहे हो, उधर से निकलकर इधर दोबारा लगाया गया है। और इसको लगाया हुआ बस 5 से 6 दिन हुआ है इधर। और ये जो पौधा है, यहाँ पे 25 से 30 दिन रहेगा, उसके बाद इधर से डायरेक्ट ज़मीन लगा दिया जाएगा। तो ये पौधा तैयार हो चुका है और ये 25 से 30 दिन हो चुका है। अभी ये ज़मीन पे लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सफ़ेद सफ़ेद जड़ें निकल रहा है, इसका मीन्स ये पौधा जल्दी सक्सेस होगा। तो ऐसा होता है सेकंड स्टेज। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हो, हम लोग आ चुके हैं कॉलीफ्लावर के खेत में। और ये जो पौधा है, ये अभी भी छोटा है। इसको लगा हुआ बस 20 दिन ही हुआ है और इधर अभी भी 50 से 60 दिन रहेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे, कॉलीफ्लावर की खेती कितना बड़ा हो गया और बहुत सुंदर है। और ये अभी भी बड़ा नहीं हुआ पूरी तरीके से, अभी भी बढ़ने में 30 दिन लगेगा, उसके बाद ही कॉलीफ्लावर जो है वो निकलेगा। पौधा देख रहे हो, ये थोड़ा बड़ा हुआ है और इसको लगाए हुए शायद 1 महीना हो गया है और अभी भी ये 30 दिन लगेगा इसको निकलने में।
ऐसा होता है कॉलीफ्लावर की खेती? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके उधर ऐसा होता है या फिर दूसरा वे होता है इसका। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय।